पानी का बहाव 4 दिनों में कितना अंतर आया है, कहाँ से शुरू हुआ, कहाँ पहुंचा और कहाँ पर फिर आज भी मतलब कहाँ नीचे आ गया है। और आप सभी जानते हैं कि जो आपको बताया गया है कि इस बार ऐसी स्थिति बनी कि आज मैंने अभी से 2 दिन पहले नेपाल में लगातार करीब 60-70 घंटे तक इतनी जबरदस्त बारिश हुई कि हम लोगों को 2-3 दिन पहले से ही इसका कुछ आभास हुआ था। और हम लोगों ने विभाग में निर्णय लेके सारे अधिकारियों को इस परिप्रेक्ष्य में अलर्ट भी कर दिया था। लेकिन जो अनुमान था या नेपाल में भी बारिश की संभावना की जो भविष्यवाणी थी, वहां उससे भी अधिक बारिश हो गई। नतीजतन क्या हुआ कि समझिए कि जल स्राव या दबाव इतना अधिक आया है कि अभी पिछले लगभग समझिए कि 50 घंटे सही आपसे साझा ये भी करना है कि पिछले 50 घंटे हमारे लोगों के विभाग के लिए ये बड़े चुनौती भरे और तनावपूर्ण रहे हैं। लगातार जिस ढंग से हमारे अधिकारियों ने नीचे क्षेत्र के पदाधिकारियों और हमारे अभियंताओं पदाधिकारियों से लेके मुख्यालय में हमारे प्रधान सचिव और जितने अभियंता प्रमुख या अपर सचिव जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, सब लोगों ने जो पिछले करीब 40-50 घंटे लगातार स्थिति को यहाँ वॉर रूम या कंट्रोल रूम से मॉनिटर किया है, फिर भी स्थिति ऐसी रही कि हम लोगों के लाख चाहने के बावजूद भी पानी का दबाव ही इतना था। अभी आपको बताया गया कि लगभग जितनी नदियां नेपाल से आती हैं, आप पश्चिम में घाघरा गंडक से ले लीजिए और बीच के हिस्से में होते अगर सबसे पूरब की ओर जाइए तो कोसी महानंदा बेसिन तक, ये अभी तक का एक तरह से सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं। और आने वाले दिनों में अब HFL जो होता है, अधिकतम पानी आने का संदर्भ साल या संदर्भ बिंदु जो होता है, अब सब दिन ये 24 ही रहेगा, 2024। 24 में अभी जितना भी आपको बताए कि चाहे कोसी का हो, गंडक का हो, सब में जो पिछला रिकॉर्ड था उस सब से हम लोग आगे बढ़ गए। अब इन्होंने बताया कोसी में डिस्चार्ज की हालत इन्होंने बताई कि जो 1968 में जो मतलब 7 लाख करीब 70 हजार के आसपास डिस्चार्ज आया था, उसके बाद से हालांकि इस बार 666 ही था, लेकिन 1968 के बाद से 666 भी कभी आज तक नहीं पहुंचा था। ये हालत है, मतलब 56 साल का सर्वाधिक जलस्राव इस बार आया है। और उसी तरीके से गंडक का भी इन्होंने बताया कि साल का है, वहां भी काफी पहले ही जो आया था उसके बाद इस बार आया है। आप ये सोचिए, सबसे बड़ी बात है जो पहली दफा हुआ है इतिहास में कि कोसी में मैंने गेज और जो मतलब जो अधिकतम उच्चतम जल स्तर जो होता है उसकी बात तो छोड़ दीजिए, बराज के लगभग ऊपर से पानी बह गया। और आपको वीडियो भी दिखा देंगे अगर कहिएगा तो, दूसरे दिन बुला के ही सब हो जाता है। तो जो बराज के गेट्स हैं उसके ऊपर जो एक बना हुआ है, चल के गेट को नीचे से मरम्मत निगरानी करता है, उससे पानी निकल रहा था उसके ऊपर से। ये पहली दफा इतिहास में हुआ इतना पानी आया। लेकिन हमारे सभी अधिकारी भी मुस्तैद थे, सतर्क थे, जिला प्रशासन से भी हम लोगों को
सभी अपेक्षित सहयोग मिला। इसके लिए हम लोग समझिए कि इसीलिए इस हद तक भी इसको नियंत्रित करने में सफल हुए, लेकिन लाख कोशिश के बावजूद अब कोसी में जैसे दरभंगा में वो किरतपुर और गोरा बोराम के इलाके में समझिए कि पानी का बहाव इतना था कि लगभग 7-8 किलोमीटर में वो बांध के ऊपर से पानी बह रहा था जो तटबंध बनाया गया था। अब बांध को ही ओवर टॉप कर गया उसी क्रम में, और ये स्थिति लगातार कई घंटे तक बनी रही। इसी क्रम में एक जगह वहां भी ब्रिज हो गया, यहाँ भी गंडक में भी जो खासतौर से यहाँ बागमती में सीतामढ़ी इलाके में भी लोग अभी कल पूरे दिन हमारे अधिकारी और जिला प्रशासन के लोग सारे लोग वहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि भी सारे लोग लगे हुए थे। अंत में अंतिम बांध जो हमको लगता है अंतिम टूटान जो हुई है रात को 1:30 बजे, हम लोग सभी लोग आपस में संपर्क में थे और 1:30 बजे तिलक ताजपुर वाला तो 1:30 बजे करीब टूटा है, रात में 1:30 बजे। मतलब टूटा क्या है, वो तो ऑलमोस्ट स्कोरिंग करके पानी से मैंने वो अंदर अंदर ही उसको भसा के ले जाता है, तो वो स्थिति आई है। लेकिन हमारे अधिकारी मुस्तैद रहे हैं। एक जगह बगहा में भी जो दिक्कत आई है हम लोगों के की समीक्षा में या जो फील्ड से जो हम लोग मॉनिटर कर रहे थे उस क्रम में वहीं हमारे बगहा में एक अधिकारी की थोड़ी सी लापरवाही जरूर दिखी थी, क्योंकि हम लोग भी यहाँ से हमारे सभी उच्चाधिकारी संपर्क करना चाह रहे थे, जिला प्रशासन भी उससे संपर्क करना चाह रहा था, तो वो नेग्लिजेंट पाए गए, लापरवाह पाए गए, इसलिए उनको एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को निलंबित भी किया गया है। लेकिन बाकी सब जगहों पर हमारे सभी अधिकारी और जिला प्रशासन के अधिकारी सबों ने मिलके जो स्थिति है उस पर बनाई है। अब ये तो अप्रत्याशित स्थिति है, सब लोग समझ सकते हैं कि सारे रिकॉर्ड टूट गए। अब आगे से आज के बाद से उच्चतम जल स्तर हो अधिकतम जल स्राव हो 2024 ही रेफरेंस पॉइंट बनेगा, ये स्थिति हो गई है। और अभी देखिए कि पानी कितना घट रहा है लगातार, कहाँ 6,61,000 पे था ये कोसी का है, अभी आज 1,92 पहुँच चुका है, आपके सामने ग्राफ में दिख रहा है। लेकिन हम लोगों ने अधिकारियों को फिर से आज एक नया निर्देश भी जारी किया है कि जब इतनी तेजी से जल घटता है तो तटबंधों में या NSL में भी कटाव की संभावना घटते जल स्तर में अधिक होती है, बढ़ते जल स्तर में वो टूटने की संभावना होती है, ओवरटॉप करने की संभावना होती है, लेकिन कटाव की संभावना इरोजन जो कहते हैं चाहे तटबंध हो या अन्य मतलब NSL जो नेचुरल सॉइल लेवल होता है वो अधिक होती है। उसकी हिदायत भी मुख्यालय से आज सभी अधिकारियों को क्षेत्र में दे दी गई है, जो अभी और ज़्यादा चौकसी से मतलब अपने तटबंध सहित जो नदी के किनारे हैं उनकी देखभाल निगरानी जारी रखें। पानी बरसा का भी कोई ठीक नहीं है, अभी तो हम लोग उच्चतम इसको मान रहे हैं, अब प्रकृति के चुनौती के सामने तो कुछ ठहरता नहीं है। हम लोगों की सारी तैयारी थी, फिर भी बागमती में हमारा सबसे अधिक, हालांकि वो एक ही स्पैन में थोड़ी थोड़ी दूर में 5 जगह टूटान हुआ है, कोसी में तो एक ही जगह हुआ है, जो कहे ना कि वो 7-8 किलोमीटर में वो बांध के ऊपर से पानी बह रहा था, इतना जल स्राव आया, उसी के कारण अंदर में एक जगह वो मतलब प्रेशर में वो केबिन कर गया जो कहते हैं, घुस धस गया, उसी के कारण
वो स्थिति उत्पन्न हुई है। और आगे भी हम लोगों ने जो जो भी इनंडेशन के इलाके हैं, जो खास के दरभंगा में किरतपुर गौड़ा बोराम ये ब्लॉक है, सीतामढ़ी में बिलसंड है, फिर रूनी सैदपुर है, बागमती में जो ये रूनी सैदपुर और बिलसंड वाले इलाके में जो पानी फैला है, थोड़ा सा पानी बगल में मुजफ्फरपुर के और आ इलाके में भी एकाध दो पंचायत में अभी तक जो अद्यतन सूचना थी कि एक पंचायत में न थोड़ा प्रवेश किया है, तो हमारे अधिकारी अभी भी वहाँ पे सब लोग अलर्ट हैं और सब लोग काम कर रहे हैं। आगे भी हम लोग क्योंकि इस वर्ष के इस मतलब काल को, इस समय को हम लोग अभी अंत नहीं मान रहे हैं, हम लोग के सतर्कता का स्तर अभी ये बरकरार रहेगा। और हम लोगों ने क्षेत्रीय पदाधिकारियों को भी कहा है कि आप लोग हर हाल में अभी सतर्कता का स्तर बरकरार रखें, क्योंकि प्रकृति के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो ये मुख्य रूप से ये सूचना देनी थी कि जो कुछ जगह टूटान भी हुए हैं, कहीं कोई ऐसी बात नहीं थी, हम लोगों के सारे तैयारी के बावजूद अब ये 56 साल का रिकॉर्ड टूट रहा है, ये ऑल टाइम रिकॉर्ड बन रहा है, मतलब अभी तक का सबसे अधिक उच्चतम बिंदु तक पानी जलस्तर जा रहा है, अभी तक का मैंने अधिकतम जलस्राव आ रहा है। तो इस हालत में थोड़ी परेशानी जरूर हुई है, लेकिन हम लोगों ने इन सारी स्थितियों से जिला प्रशासन को भी हमेशा पोस्टेड रखा है, उनको इसकी सूचना मिलती रही है, उनसे भी हमें सहयोग मिला है, जिसके कारण जान माल की क्षति अभी तक न्यूनतम मानी जा रही है। अभी तक कोई इस तरह की सूचना नहीं है, कुछ अपुष्ट सूचनाएं खबरें यहाँ वहाँ से आ रही हैं, जिसे हम लोगों ने जिला प्रशासन से संपर्क किया है कि अगर इस तरह की बात होगी, हालांकि उसमें तो पूरी भूमिका उन्हीं लोगों की होती है।